इंजेक्शन कोर्ट के द्वारा जारी किया जाने वाला यह एक खास फरमान होता है जो एग्रीड पार्टी की अपील पर ब्रीच करने वाली पार्टी के खिलाफ दिया जाता है, जो ब्रीच करने वाली पार्टी को कुछ भी ऐसा करने से रोकता है जिसे ना करने का उसने कॉन्ट्रैक्ट में वादा किया था। चलिए इसे एक केस स्टडी से जानते हैं। वार्नर वर्सेस नेल्सन 1937। डेविस नेल्सन नाम की एक अभिनेत्री ने फिल्म निर्माता कंपनी वार्नर ब्रदर्स के साथ 1936 में दो फिल्म बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और ये वादा किया था कि इस दरमियान वो किसी दूसरी फिल्म में काम नहीं करेंगी, पर उसने वादा खिलाफी करके दूसरी फिल्म में काम करना शुरू कर दिया, जिसके चलते वार्नर ब्रदर्स ने उस पर केस कर दिया और कोर्ट से डेविस नेल्सन के खिलाफ इंजेक्शन का ऑर्डर पास करवा लिया। आखिरकार नेल्सन को दूसरी फिल्म छोड़कर वापस आना पड़ा।